नमस्कार दोस्तों, वेलकम आवर चैनल क्रिक 11 हब पे आपको एक और बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 मैच नंबर 6 ग्रुप बी, जो 5 अक्टूबर सैटरडे इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 7:30 बजे शारजाह क्रिकेट स्टेडियम शारजाह पे होने वाला है। उसी मैच के बारे में वीडियो पे बात करेंगे। पिच रिपोर्ट, दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात करें तो शारजाह पे मैच होने वाला है। जनरली यहाँ का पिच बैलेंस पिच रहता है, जहाँ पे बैट्समैन एंड बॉलर दोनों के लिए ही समान मदद होता है। पेसर को शुरुआती ओवर में थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल सकता है एंड गेम जितना होता जाएगा बैट्समैन के लिए भी पिच मददगार होते हुए जाएगा। उससे पहले आप एक बात ध्यान पे रखिए कि ये वुमेन्स मैच है, तो यहाँ पे पिच का ज़्यादा कुछ महत्व नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ही रहता है, ज़्यादा प्लेयर के ऊपर ही डिपेंड रहता है। एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग टीम के बीच में मैच होने वाला है, तो अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगा तो वो अच्छा खासा रन बना सकता है। एवरेज स्कोर 160 रन के आसपास है, तो उससे भी ज़्यादा रन यहाँ पे इंग्लैंड बना सकता है। लेकिन अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करेगा तो वो 100-120 के अंदर भी ऑल आउट हो सकता है या उससे नीचे भी ऑल आउट हो सकता है। तो ये सब बात अगर आप ध्यान पे रखते हुए टीम बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड, दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो टी20 इंटरनेशनल पे सिर्फ 3 मैच पे आमना सामना हुआ है 2 टीमें, जिसमें से बांग्लादेश अभी तक कोई मैच पे जीत नहीं पाया है और सामने इंग्लैंड ने 3 मैच पे ही जीत हासिल किया है। और इस मैच पे भी इंग्लैंड को ही जीतना चाहिए, इंग्लैंड ही फेवरेट रहेगा, फिर भी हम लोग एक अच्छा मैच की उम्मीद कर सकता है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम पे। प्रोबेबल प्लेइंग 11, तो चलिए सबसे पहले बांग्लादेश की बात करें तो ओपनिंग में साथी रानी, उसके साथ मुर्शिदा खातून, वन डाउन पे सुभाना मस्री, उसके बाद ताज नेहर, विकेटकीपर बैट्समैन और कप्तान निगर सुल्ताना, सोराना अख्तर, ऋतुमणि, फाइमा खातून, राबेया खान, नदिया अख्तर और मरूफा अख्तर को हम लोग बांग्लादेश की तरफ से खेलते हुए देख सकता है। बांग्लादेश की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो मरूफा अख्तर, नदिया अख्तर, राबेया खान, फाइमा खातून, ऋतुमणि और सोराना अख्तर को हम लोग बांग्लादेश की तरफ से खेलते हुए देख सकता है। बांग्लादेश की तरफ से शुरुआती ओवर की बात करें तो मैच पे ज़्यादा कोई फिक्स नहीं रहता है, फिर भी नदिया अख्तर और मरूफा अख्तर आपको बांग्लादेश की तरफ से शुरुआती पावर प्ले और डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए देख सकता है। उसके बाद इंग्लैंड की बात करें तो ओपनिंग में माइया बाउचर, उसके साथ डैनियल वेट, एलेक्स कैप्सी, नेट सर्वर बंट, कप्तान हैदर नाइट, विकेट कीपर बैट्समैन एमी जोन्स, प्रिया कैप, सोफिया एलस्टोन, लौरा बेल, क्रोलेटेन और सारा ग्लेन को हम लोग इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए देख सकता है। इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो सारा ग्लेन, क्रोलेटेन, लौरा बेल, सोफिया एलस्टोन, फेरा कैप, उसके साथ नेट सर्वर बैंट और एलेक्स कैप्सी भी आपको इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग करते हुए देखेंगे। जरूरत पड़े तो कप्तान खुद हैदर नाइट भी बॉलिंग कर सकता है, लेकिन फिलहाल के टाइम पे हैदर नाइट ज़्यादा बॉलिंग नहीं करता है, तो इस मैच पे भी आप लोग इनको बॉलिंग करते हुए ना देखें। इंग्लैंड की तरफ से शुरुआती ओवर की बात करें तो लौरा बेल के साथ नेट सर्वर बंट आपको शुरुआती पावर प्ले पे बॉलिंग करते हुए देख सकता है। डेथ ओवर का ज़्यादा कोई फिक्स नहीं रहता है, फिर भी सोफिया एलस्टोन, उसके साथ नेट सर्वर बंट, लौरा बेल, इन लोगों को ही आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए देख सकते हो इंग्लैंड की तरफ से। बांग्लादेश वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स ड्रीम 11 टीम। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए क्रिक 11 हब ऑफिशियल, हमारे चैनल दिखाई देगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम बहुत ही जरूरी है क्योंकि फाइनल अपडेट वहीं पे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम पर जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, स्मॉल लीग का ड्रीम 11 टीम क्या होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंग्लैंड को ही फेवरेट मानते हुए हम लोगों ने टीम बनाया है। विकेट कीपर सक्सेसर से जोन्स और बांग्लादेश की तरफ से सुल्ताना को पिक किया है। यहाँ पे दोनों ही ठीक ठाक ऑप्शन होगा। सुल्ताना आपको विकेट कीपिंग और बैटिंग से भी ठीक ठाक पॉइंट देगा। बांग्लादेश की तरफ से भरोसेमंद बैट्समैन है, अच्छा खासा इनिंग्स खेल लेता है, तो बांग्लादेश की तरफ से इनको पिक किया है। और जॉन्स इंग्लैंड की तरफ से विकेट कीपिंग के लिए ही इनको पिक किया है, क्योंकि बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, थोड़ा सा नीचे बैटिंग करते हुए आता है, तो इसीलिए बैटिंग से ज़्यादा नहीं है, विकेट कीपिंग से आपको स्टैम्प और कैचिंग से अच्छा खासा पॉइंट दिला सकता है, तो इसीलिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन जाता है आपके लिए। बैटिंग सेक्शन से हम लोगों ने डैनियल वेट और
वाउचर को पिक किया। यहाँ पे आप हैदर नाइट को भी ट्राई कर सकते हो, इंग्लैंड की तरफ से ठीक ठाक ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा सा नीचे बैटिंग करते हुए आ सकता है, तो इसीलिए हम लोगों ने छोड़ा है। ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं करता है फिलहाल के टाइम पे, तो इसीलिए आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, हम लोगों ने छोड़ा है। यहाँ पे आप बांग्लादेश की तरफ से खातून, रानी और मौस्ट्री जो भी खेलता है अपने हिसाब से आप ट्राई कर लीजिएगा। डाउनफ्ली अगर खेलता है तो आप इंग्लैंड की तरफ से इनको पिक कर सकते हो, फिलहाल के लिए हम लोगों ने छोड़ा है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से नेट सर्वर बांट मास्टर पिक, एलेक्स कैप से भी मास्टर पिक रहेगा इंग्लैंड की तरफ से। यहाँ पे आप बांग्लादेश की तरफ से रितु मणि को ट्राई कर सकते हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से आपको पॉइंट दिला सकता है, तो आपके लिए एक ठीक ठाक ऑप्शन है। आप चाहो तो इनको पिक कर सकते हो। अख्तार एक बांग्लादेश की तरफ से अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप जीएल मिनी जीएल पे इनको ट्राई कर लेना। कैप को हम लोगों ने पिक किया इंग्लैंड की तरफ से, दो तीन ओवर बॉलिंग कर सकता है और उन्हीं बॉलिंग से विकेट निकाल के दे सकता है, तो इसीलिए इनको हम लोगों ने पिक किया है। आप उनके जगह पे किसी के साथ भी जा सकते हो। गिब्सन अगर खेलता है तो इंग्लैंड की तरफ से ये भी अच्छा ऑप्शन होगा, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं। बॉलिंग सेक्शन से हम लोगों ने सोफिया एलस्टोन, ग्लेन डेन और वेल को पिक किया। यहाँ पे हम लोगों ने सारे इंग्लैंड के प्लेयर को पिक करने का कोशिश किया है, क्योंकि बांग्लादेश बहुत ही बुरी तरह से हार सकता है, तो इसीलिए हम लोगों ने सभी इंग्लैंडी प्लेयर को पिक करने का कोशिश किया। यहाँ पे हैदर नाइट ही छूट गया है, आप चाहो तो हैदर नाइट को भी ट्राई कर सकते हो किसी की जगह पे। आप यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से नदिया अख्तर, रोहन खान और मरूफा अख्तर को भी आप अपने टीम पे थोड़ा सा बहुत देख सकते हो। किसी के जगह पे आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो नेट सर्वर बांट को कैप्टन और सोफिया एलस्टन को वाइस कैप्टन में ट्राई किया है। आप अपने हिसाब से किसी भी इंग्लैंड की तरफ से बॉलर के साथ जा सकते हो, या एलेक्स कैप से भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो फिलहाल के लिए ये रहेगा हमारा अभी तक का टीम। फाइनल अपडेट जो भी रहेगा वो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने हिसाब से कुछ चेंजेस भी लगता है तो वो भी हम लोगों को कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।